पीएम मोदी ने आज मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी का रेडियो प्रोग्राम का 93वां एपिसोड रहा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। पीएम मोदी ने मन की बात सुनने के लिए रांची में कई महिलाएं शामिल हुई। पीएम मोदी के मन की बात को सुनने के लिए रांची में कई महिलाएं शामिल हुई और पीएम की मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में आज झारखंड से भी कुछ महिलाएं जुड़ी। सृजन हैंडीक्राफ्ट की जो महिलाएं थी वो जुड़ी और इस माध्यम से काफी खुशी हुई, क्योंकि इनकी कलाकृतियों को, इनकी बनाई हुई चीजों को दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपील की कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिले और इनके द्वारा बनाई हुई चीजों को खरीदे ज्यादा से ज्यादा लोग। उन्होंने भारत के हर एक नागरिक से अपील की, अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो क्यों ना हैंडमेड चीजों को खरीदा जाए। यहाँ जो कलाकृतियां बनी हुई है, जो भी कलाकारी की हुई है, ये सारी चीजें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में दिखाई गई। और अब दिखाते हैं कि जो समूह की महिलाएं जुड़ी हैं, जिनके पीछे एक पूरा समूह बना हुआ है, उनसे मिलते हैं। शोभा जी, आज कितना अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं? आज बहुत ही सौभाग्य दिन है मेरे लिए, जब प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट हम लोगों से बात किए, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि और हम लोग आगे बढ़ेंगे उनके सहयोग से, और उनका भी यही प्रयास रहा है आगे बढ़ाने का, तो हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। अच्छा, कैसे ये सारी चीजें जो है उन तक पहुंच गई, केंद्र तक पहुंच गई, प्रधानमंत्री तक पहुंच गई आपकी बनाई हुई चीजें, क्या लगता है? ये इसके पहले वोकल फॉर लोकल के लिए संजय सेठ जी हमारे घर आए हुए थे, उसके बाद से ही बहुत सारा प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे मीडिया वाले आए, हम लोग नेशनल टीवी पर भी प्राइम टाइम नेशनल टीवी राजदीप सर देसाई जी के न्यूज में रहे, तो शायद उन्हीं का, और शायद हम कह सकते हैं कि संजय सेठ जी का आना मेरे लिए काफी शुभ रहा। तो हमने भी कशिश के माध्यम से भी किया था, चूंकि सशक्त भारत में अपना एक अहम योगदान दे रही हैं, आत्मनिर्भर महिलाओं को कैसे बनाया जाए इसके लिए ये हमेशा से प्रयासरत रही हैं, और एक ऐसे समूह में महिलाओं को जोड़ा है, निशुल्क प्रशिक्षण दिया है, कई महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण ये दे चुकी है, तो क्या कहेंगी, कितनी सारी महिलाएं जो है जुड़ी हुई? अभी तो हमारे पास 50 महिलाएं हैं जो सिर्फ डॉल के काम में जुड़ी हुई हैं, और बाकी बहुत सारी महिलाएं हैं जो और भी बहुत तरह के काम होते हैं उसमें भी जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग अभी भी हमारा प्रयास यही है कि जितनी महिलाओं को हम लोग अपने साथ जोड़ सकें, और लेकिन इसमें हम लोग को थोड़ा सहयोग का जरूरत पड़ता है जो अभी तक शायद हम लोग को नहीं मिल पाया, तो हो सकता है अगर सहयोग मिले तो हमारे साथ और महिलाएं जुड़ेंगी और हम लोग इसको आगे तक और पहुँचा सकते हैं। इसमें आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, सारे चैनल वालों का भी, इसमें सहयोग होता है हम लोग को आगे बढ़ाने में, इसलिए आप सबको हम लोग तरफ से धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं, और जो है आगे और भी एक कारवां जुड़ता जाए, चूंकि कई महिलाएं जो हैं वो घर तक सीमित रहती हैं, तो घर तक सीमित रहते हुए भी ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान, चूंकि देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय इसकी डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। कई जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो आप एक से एक अद्भुत हैं, और कई जो पारंपरिक चीजें हैं इन्होंने बनाने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता हमारे साथ रुचि शर्मा जुड़ चुके हैं। रुचि, पीएम मोदी ने आज मन की बात की, वहां पर किस तरीके से लोगों ने मन की बात सुनी, और खासतौर पर एक तस्वीर मैंने देखी कि महिलाएं काफी उत्साहित दिखी मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद। बिल्कुल करिश्मा, बता दें कि आज मन की बात जो कार्यक्रम थी वो खास रही कुछ महिलाओं के लिए, चूंकि झारखंड की राजधानी रांची की महिलाओं के द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं उसे की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी डिमांड बढ़ी है, और वो हैंडमेड चीजें हैं। हालांकि उसकी जो कुछ तस्वीरें हैं वो मन की बातों में दिखाया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आह्वान भी किया गया कि आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जो हैंडमेड चीजें हैं, जो हाथों से बनाई हुई चीजें हैं,
उन्हें लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, तो इससे जो है महिलाओं को थोड़ा आत्मबल मिला और वो और सशक्त हुई और बहुत ही ज्यादा उनमें खुशी थी कि हमारी जो बनाई हुई चीजें हैं, हमने जो हाथों से तैयार किया हुआ है, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उसकी जो कुछ झलकियां हैं वो देखने को मिली है। तो ये जो है हमारा सबसे खास और अहम दिन है हमारे लिए, क्योंकि कुछ महिलाएं जो है वो एक दशक से भी पहले से इसमें जुड़ी हुई हैं और वो अपने हाथों से गुड्डे गुड़िया बनाने का कार्य करती हैं, कई जो हैंडमेड चीजें हैं वो तैयार करती हैं। तो इस तरह से जो घरेलू महिलाएं हैं वो घरेलू कामकाज तो कर ही रही हैं और कैसे सशक्त भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दे रही हैं, कैसे उनकी बनाई हुई चीजें जो हैं वो लोगों के द्वारा पसंद की जा रही हैं। और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री का एक खास कार्यक्रम होता है, जो मासिक कार्यक्रम होता है मन की बात, उसमें अगर उनकी बनाई हुई चीजों को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, तो वो अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर हमारा जो प्रमोशन है वो नहीं हो सकता है। हालांकि जो है वो आगे और भी, चूंकि वो महिला है जो निःशुल्क प्रशिक्षण देती है और कई महिलाएं जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र से आती हैं, वो उनसे जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी कई महिलाएं जो हैं वो सशक्त होंगी और जो हमारी जो कल्चर है उसे भी उन्होंने बखूबी दिखाने का प्रयास किया है। कई प्रदेश की चीजें जो हैं उन्होंने दिखाया है, जो हमारी धार्मिक चीजें हैं उन्हें भी दिखाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बखूबी अपनी कलाकारी से, अपनी जो हैंडमेड चीजें हैं उससे वो दिखाने का प्रयास किए हैं कि कैसे एक आदिवासी परंपरा को जीवित रखा जाता है, आदिवासी नृत्य को दिखाया है, कैसे कई सारी चीजें हैं गरिश्मा जिसको उन्होंने बखूबी अपनी कलाकारी के माध्यम से तराशा है। और वो चीजें अगर किसी के डाइनिंग हॉल में जाता है, कहीं पर सजावट के लिए रखा जाता है, तो वो काफी सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। बता दें कि कहीं भी कोई भी मशीनरी का यूज नहीं किया गया है, अपने हाथों से कलाकारी सिलाई बुनाई से किया गया है। एक एक गुड़िया तैयार करने में 3 से 4 दिन लगते हैं, तो काफी खूबसूरत और काफी जो प्रोत्साहन है वो आज इस मन की बात में उन्हें मिला है। जी कर बिल्कुल, तो महिलाएं काफी उत्साहित दिखी क्योंकि हाथों से बना ये गुड्डे गुड़िया भी, बल्कि विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है महिलाएं काफी उत्साहित दिखी और आत्मनिर्भर, जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी कहते रहते हैं ये आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो वाकई में ये एक अलग तस्वीर है। और पूरे बखान किया तमाम जानकारी के लिए रुचि आपका शुक्रिया। तो पीएम मोदी ने आज मन की बात की, जहां देशवासियों को संबोधित किया और ये एपिसोड 93 एपिसोड रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की।